हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने संभावना सेठ के चैनल के नीचे कमेंट्स पे जब भी वो IVF के बारे में बात करते हैं, यानी कि IVF प्रोसेस की द्वारा उनके बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, जिधर मैंने देखे हैं कि बहुत सारे लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ देवीना बनर्जी जो कि गुरमीत चौधरी की वाइफ है, वो भी यूट्यूब पर शायद वीडियोज़ बनाते हैं। मुझे कुछ ही महीनों पहले पता चला एक इंसिडेंट के द्वारा, बहुत लोगों ने बोला संभावना को कि प्लीज़ उनसे सजेशंस लीजिए कि उनका IVF कैसे सफल हुआ, आपका क्यों फेल हो रहा है। तो मैं आप सब लोग को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि संभावना एंड देवीना वीर नॉट एट ऑल फ्रेंड्स। दे वेर फ्रेंड्स टिल 2018 एंड आफ्टर दैट बिकॉज संभावना गॉट सम सक्सेस इन यूट्यूब, देवीना इज जेलस ऑफ हर आई थिंक। देन व्हाट शी डन आफ्टर संभावना टोल्ड हर IVF स्टोरी इन यूट्यूब, द वीडियो गॉट ऑन ट्रेंडिंग। देन देवीना ने भी सोचा अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, लाइमलाइट मिलते हैं, तो मैं भी कर ही देता हूँ ऐसा ड्रामा। तो उन्होंने भी अपनी IVF की झूठी मूठी स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाया। वीडियो के स्टार्टिंग में उन्होंने संभावना सेठ को खुलेआम टॉन्ट किया कि शेयर योर सक्सेस स्टोरी नॉट योर फेल स्टोरी, बिकॉज संभावना ने फेल स्टोरी शेयर किया था इसलिए देवीना ने संभावना को ऐसा बोला। फिर जब संभावना थाईलैंड गई थी, थाईलैंड से वापस आकर उन्होंने तेली मसाला को कुछ इंटरव्यू दिए। उन इंटरव्यूज में उन्होंने बोला कि एक एक्ट्रेस ऐसे बोलती है कि डोंट शेयर योर अनसक्सेसफुल स्टोरी, शेयर योर सक्सेसफुल स्टोरी, ऐसे मुझे टॉन्ट करती है। तो मैं आपको रिप्लाई करना चाहता हूँ कि आपने मुझको देख के ही वीडियो बनाया लाइमलाइट में आने के लिए, तब मुझे पता चला ये चीज़ और मैंने वो सेम चीज़ देखा देवीना की वीडियो में। तो आप सब लोगों को अगर ये इंसिडेंट पता नहीं है तो प्लीज़ चेक कीजिए, आप सब लोगों को पता चल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। देवीना डायन को सपोर्ट करना बंद कीजिए और संभावना को सजेस्ट करना भी बंद कीजिए कि वो देवीना से सजेशंस ले। थैंक यू सो मच।